अस्सलाम वालेकुम जी, आज मोरखा 4 सितंबर है, दो दिन बाद मेरा पेपर है, रात की 12 बजे की टिकट है लाहौर की। मैं टर्मिनल पे रात 12 बजे पहुंचा और हमेशा की तरह बस लेट थी, बस चली 1:15 बजे, मैं पहुंचा सुबह लाहौर 7 बजे, नाश्ता किया और सो गया। 12 बज गए, कल पेपर है, एडमिट कार्ड अब निकलवाने आ रहे हैं। ये आज़म भाई देखें रोड पर ठहर के पढ़ रहे हैं, यार आज़म भाई इतना ना पढ़ा कर यार। खाना खाया और पूरी रात नहीं सोए क्योंकि सुबह था बी लॉ का पेपर, वो थोड़ा सा रिवाइज किया और सुबह नाश्ता किया, चले पेपर देने बी लॉ का। पहला पेपर मेरा अबान कायद था और वहाँ जाके फिर से वही जलालत के मोबाइल जमा करवाएं। अगर आप पेपर देने जाएं, आई हाईली रिकमेंड कि आप नींद पूरी करके जाएं, क्योंकि मेरे साथ जो हाल हुआ, मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठा था तो जैसे ही पेपर मेरे सामने आया, कुछ देर बाद ही मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। मतलब नींद इतना आई हुई थी कि मेरा ब्रेन तो भैया बिल्कुल नींद में चला गया, मतलब ना कोई सोच आ रही थी ना कुछ भी। तो बी लॉक पेपर मैंने ऐसे दिया, तो नींद इज़ वेरी नेसेसरी। बी लॉक पेपर जो है वो पूरा ग्रेड के मुताबिक ही आया था, केस स्टडीज इस बार उसमें ज़्यादा पूछी थी। प्लान किया था कि अगर हमारा बी लॉ का पेपर अच्छा हो जाएगा ना, हम आएंगे जमाल के दही भले खाने, समझ रहे हो? तो मार के दसों च बाबर जानी, व्हाट इज दिस बिहेवियर भैया जी, इतना टेंशन तो मुझे कॉस्ट के पेपर के नहीं है जितना पाकिस्तान के हारने की है। हारने वाला है, आउट आउट हो गया। Oh my God. चाचे नूने ने गुस्सा चढ़ा के वो आउट करवाया, फिर मसला बन गया। No out. ऐसा तो आउट होया, नहीं तो होना नहीं चाहिए यार। Oh my God, Sixer! We win the match, bro! पाकिस्तान का मैच हो और वो हार्ट अटैक दे के ना जीते, How is this possible? बाकी अगला पेपर मेरा था कॉस्ट का, पीसी लाहौर में। भैया जी पेपर देख आए हैं कॉस्ट का, माशाल्लाह दिखने में बहुत ही अच्छा था, पता नहीं करने में कैसा था, मैं तो देखने आया था भैया। बाकी कॉस्ट का पेपर मैंने इसलिए दिया ताकि अगले अटैम्प्ट में मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाए, मतलब देख रहे हो भाई की सख्ती। आज़म भाई जहाँ भी जाते हैं अपनी बुक्स साथ लेके चलते हैं, मतलब इतना पढ़ा के बच्चे, और दूसरी साइड पे हम जो पेपर में भी आराम से बैठ के नहीं पढ़ सकते। आज़म भाई ने कहा भैया टेक्स्ट जो है मैंने पूरी पढ़ा ली है, तो इसी खुशी में ना आप खिलाते हैं तवा पीस। तो ये फर्स्ट बाइट है तवा पीस की, आज़म भाई की जेब भरे हुए पैसों। अगले दिन टैक्स का पेपर था तो सुबह उठे, नाश्ता किया और चले पीसी लाहौर, दूसरा पेपर भी पीसी में था। लेकिन पीसी वालों से इस बार उम्मीद नहीं थी कि वो भी मोबाइल कलेक्ट करेंगे, मतलब कॉस के पेपर में उन्होंने मोबाइल कलेक्ट नहीं किया था, तो इजी सीन था। लेकिन फिर यहाँ पर भी जलालत वही हुई, इस बार टैक्स के पेपर में उन्होंने न्यूमेरिकल पोर्शन को काफ़ी ज़्यादा वेटेज दी थी, 65+ नंबर्स का उन्होंने न्यूमेरिकल पोर्शन रखा था और बाकी जो था थ्योरी था और वो भी सीनेरियो बेस्ड थी। न्यूमेरिकल जो था वो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी और अदर इनकम में से पूछा हुआ था, और सेल्स टैक्स तो वैसे ही आता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अच्छा हो गया। आज़म भाई की निंजा टेक्निक पेपर पास करने की, दूसरों को पढ़ाएं, जितना ज़्यादा आप दूसरों को पढ़ाने में एफर्ट्स लगाएंगे उतना ज़्यादा आप एक कंसेप्ट बिल्ड होंगे, और सामने वाला चाहे दूसरा हो या दूसरी, आज़म भाई तो भाई लेजेंड है। उसने सारा टैक्स का पेपर से तैयार करवाया, ये दुख का ही नहीं खत्म होता। क्या कह रही है? अब वो कह रही है कि आपसे बात ही नहीं करनी। ओए ओए ओए, आज़म भाई की सैड लाइफ हो गई।
यार आजम भाई पेपर दे दो फिर आप गम मना लेना प्लीज भाई प्लीज आजम भाऊ अरे भाई तो आजम भाई को खुश करने के लिए हम गए शावरमा खाने भैया शावरमा के 3 हिस्से कर दो अच्छा 3 का 20 काट दो देखें जी गुरबत की इंतहा इतना आ गया है कि एक शवरमा हम 3 बंदे खाएंगे FAR1 में 2 छुट्टियां थी तो भैया जी हमारी गुरबत से हमारा तक का सफ़र ना हो एक रात का था अब हम KFC पे आए हुए हैं और पेपर में सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे रहते हैं अभी ये पेट पूजा करके फिर थोड़ा सा पढ़ते हैं कल को फिर देखते हैं क्या सीन बनता है आखिरी पेपर है मजे मारे यार भाई इज ऑन फायर अब जाके पढ़ते हैं अगले रोज था FAR1 का पेपर हम पहुंचे PC चौथा पेपर हमारा PC में था उधर फिर से जलालत मतलब मोबाइल की कनेक्शन चाचू आज हम आए तो PC को खर्च करने थे लेकिन नींद इतना ज़्यादा है कि हमने कहा बस छोड़ें चलते हैं घर सोते हैं पेपर हो गए हैं और भड़का दी है चिल मारते हैं तो कोई हलवा पेपर और दाल और चाल तो कोई हलवा ये कैसा मज़ा आ गया भाई ये कैसा मज़ा आ गया ये तो किसी किताब में नहीं लिखा यार बाकी में पेपर बहुत मुझे तो आसान लगा लेकिन सियार भाई कहते हैं उनको औखा लगा FAR1 में उसमें इम्पेयरमेंट NPO कैश लो और नोट बनाना था वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का और PPE का ये उन्होंने इस बार ज़्यादा टेस्ट किया करेक्शन ऑफ एरर भी था बाकी ग्रिड के मुताबिक सब कुछ था तो जब भी हम अंडर पास से गुजरते तो हम अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पाते और हमारे अंदर से ही हम वापस आए और सो गए रात को उठे 9 बजे खाना खाया और अब तो पेपर भैया हो गए हैं तो हम पहुंचे अमाना माल तो हमारे सबसे करीब जो पढ़ता था वो अमाना माल ही था भैया जी हम 15 मिनट से खड़े रह गए इधर ठीक है ना तो लिफ्ट आती ही नहीं थी हम इतना खड़े रह गए तो हमने कहा चलो अब ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं वहाँ से बैठेंगे फिर ऊपर जाएं CR भाई बैठा रहे शर्मिंदा होके जा अब देखे जी खाली खाली लिफ्ट पे हम खुल जाओ सिम से अभी टाइम हो गया 4:15 का तो उमर भाई आए होंगे अड्डे पे उनको लेने जाना है चलते हैं ये देखे जी 4:30 बजे CR भाई इशारे की पाबंदी करते हुए और अच्छे शहरी होने का सबूत देते हुए ये बुरे शहरी जा रहे हैं सारे ये सारे बुरे शहरी हैं देख रहे हैं ना समझ रहे हो इन्हें साढ़े जज्बात रहने दो कितनी दूर है तो जी नियाजी अड्डे पहुंच गए उमर भाई तकरीबन पहुँचने ही वाले हैं 5 मिनट तक पहुँच जाएंगे उमर भाई को लेते हैं फिर चलते हैं चेहरे लस्सी वाले की ऊपर उमर भाई कौन बताना भूल गया उमर भाई स्वाद वाले जो हमारे साथ गए थे स्वाद भैया जी अंदरून लाहौर की जो सबसे स्पेशल बात है ना वो इसकी गलियां हैं अगर आपने इधर आना है और आपने गूगल मैप यूज़ करके आना है तो भैया गूगल मैप बहुत हो जाएगा इधर आके सारे झूठे लेने जितनी भी है ना सब पे चल सारे देखेंगे मानेंगे
भैया जी हमारा प्लान बन गया था पेपरों में कि हम जाएंगे मनाल पे जब हमारे पेपर ख़त्म होंगे, उमर भाई भी आ जाएंगे तो हम जाएंगे मनाल पे। लेकिन सुबह हमारा प्लान बना के मनाल को कैंसिल करते हैं क्योंकि वहाँ से होके आए थे इंडिगो पे जाएंगे, तो हमने रिज़र्व कर ली थी सीट्स दोपहर में। तो वो सर जी मनाल है और हम आए हैं मनाल से भी ऊपर क्योंकि लाहौर की सबसे हाईएस्ट होटल है ना वो यही है। भैया जी एक दफ़ा फिर से हम लिफ्ट के जूते लेते हुए पूरे दबा दें ओए ना वो रुक गए जी हम घर पहुंच गए और सबसे पहला काम हमने करना है व्लॉग एडिट नहरान वाला। तैमूर ब्रो में उकसा रहे हैं अपनी शूटिंग कराने के लिए, ये मैं उल्टा बैठा हूँ और ये तैमूर ब्रो ठहरे हैं, ये देख ये अनवार ब्रो इधर से चला रहे हैं बाइक। ब्रो ये हाल है। ओके तैमूर ब्रो आर यू रेडी? ओके स्टार्ट।